नमस्कार दोस्तों, आपका हेल्थ टिप्स ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लू से बचने के कुछ बेहतरीन घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा पाएँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, प्याज का उपयोग। अगर आप गर्मी में बाहर जाना चाहते हैं तो आप अपने प्याज के रस को निकालें और अपनी छाती तथा कान के पीछे लगाएं। ऐसा करने से आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा तथा लू की समस्या से भी आप बचे रहेंगे, जिसकी वजह से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। नंबर दो, जीरे का उपयोग। इसके लिए आपको एक पैन में कुटा हुआ प्याज भूनना होगा, फिर उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और चीनी मिलानी होगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इस मिश्रण का सेवन करें। इस मिश्रण का सेवन करने से आपको लू नहीं लगेगी और आप गर्मी में आसानी से बाहर जा पाएंगे। नंबर तीन, तुलसी का उपयोग। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी लू से बचाने में बहुत काम आती है। लू से बचने के लिए तुलसी के पत्तों का रस निकालें और उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाएं। अब इस घोल को अच्छी तरह से तैयार करें और इसे पी लें। इस घोल को पीने से शरीर का तापमान हमेशा नॉर्मल बना रहेगा। नंबर चार, कच्चे आम का पना। कच्चे आम को कोयले की राख में भूनें। इस भुने हुए आम के गूदे को थोड़ी सी शक्कर के साथ मिलाकर पीने से गर्मी से संबंधित लक्षणों में कमी आती है और शरीर का तापमान नॉर्मल रहता है, जिस वजह से आप लू से हमेशा बचे रह सकते हैं। नंबर पाँच, नारियल का दूध। नारियल का दूध भी लू लगने से बचाने में बहुत काम आता है। इसके लिए नारियल के दूध में पिसी हुई काली मिर्च का पेस्ट तैयार करें और इस ठंडे मिश्रण को अपने शरीर पर लगा लें। इसे लगाने से लू नहीं लगती है। नंबर छः, एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस लू से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। यह हीट स्ट्रोक के लिए सबसे आसान प्राकृतिक घरेलू उपचारों में से एक है। नंबर सात, छाछ का सेवन। घर से निकलने से पहले छाछ में नमक डालकर रोजाना पिए। छाछ पीने से पूरी गर्मी में आपको लू नहीं लगेगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नंबर आठ, जौ का आटा। जौ का आटा भी लू से बचाने में बहुत काम आता है। इसके लिए आपको जौ के आटे में प्याज पीसकर लगाएं। अब इस मिश्रण का शरीर पर लेप करें। ऐसा करने से लू से तुरंत राहत मिलेगी और लू नहीं लगेगी। नंबर नौ, पेठा खाएं। लू से बचने के लिए रोज़ाना पेठा, टमाटर की चटनी और नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। इन तीनों का सेवन करने से आपको लू नहीं लगेगी। नंबर नौ, धनिया का उपयोग। लू से बचने के लिए धनिया का रस चीनी के साथ मिलाएं। यह एक सरल प्राकृतिक उपचार है जिसका उपयोग हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के इलाज में बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर दस, आलू बुखारा का सेवन। आलू बुखारा गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें पानी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के तापमान को नॉर्मल बनाए रखते हैं, जिस वजह से लू नहीं लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।